शाहपुर पुलिस उस्मान हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और 30,000 की नकदी बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों ने मिलकर उस्मान को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी देहात अतुल कुमार के मुताबिक कोतवाली इलाके के बसी कला गाँव में 3 दिन पूर्व 31 वर्षीय उस्मान नाम के व्यक्ति की सिर में गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस्मान हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके दोस्त हत्यारूपी गुलवहार और मनवर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पूर्व उस्मान के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि गुलवहार और उस्मान के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा व 2 कारतूस और मृतक उस्मान का मोबाइल फोन बरामद किया। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने उस्मान हत्याकांड का खुलासा करने के बाद दोनों शातिर हत्या आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए, दिनांक 9/6 को ग्राम पलड़ी के जंगल में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान बाद में उस्मान के रूप में हुई थी। इसकी विस्तृत विवेचना की गई, साक्ष्य संकलित किए गए। साक्ष्य संकलन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसी के दो दोस्तों ने कुछ रुपयों के लेन देन को लेकर के इसकी हत्या कारित की थी। दोनों दोस्त मृतक को अपने साथ किसी बहाने से बुला करके ले गए थे और बाद में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया था। विस्तृत विवेचना की गई, टीम गठित थी और इंस्पेक्टर शाहपुर ने अपनी टीम के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो तमंचा था वो बरामद कर लिया गया है। मृतक का मोबाइल भी ये लोग ले गए थे, मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त के रक्त रंजित कपड़े भी यूज थे वो भी बरामद कर लिए गए। घटना का पूरी तरह से सफल अनावरण कर दिया गया है। सर, कितने रुपए का लेन देन था जिस काम से उस्मान की हत्या? देखिए, 60,000 रुपये की लेन देन का था, जिसमें से 30,000 उस्मान ने वापस भी कर दिए थे। केवल 30,000 रुपये का मामला था, वो भी उसको कुछ दिन में देने की बात कह रहा था, लेकिन अभियुक्तों ने ये घटना उसी पैसे के लिए कर दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।